अलग है, मेल पर्सपेक्टिव अलग है। जब मुझे मिक्स रिव्यूज आने लगे ना, तब मैंने सोचा कि भाई सुन सबकी लो लेकिन करो अपनी। आई थिंक दैट्स द थिंग, क्योंकि एट द एंड आपकी पर्सनैलिटी आपको कोई सिखा नहीं सकता है कि क्या करना चाहिए, फिर वो आपकी पर्सनैलिटी है नहीं। फिर एक बिग बॉस 18 के घर से इस सप्ताह घर से बेघर हुई नायरा बैनर्जी का एविक्शन इंटरव्यू सामने आया। नायरा बैनर्जी घर से बाहर हुई और एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, लेकिन ये होना ही था क्योंकि उनके अपोजिट में रजत दलाल और अविनाश मिश्रा और विवियन डिसेना यहाँ पर नॉमिनेटेड थे। जहाँ पर रजत और विवियन की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तो अविनाश इस वक्त इस शो को रन कर रहे हैं। ऐसे में नायरा को घर से बाहर निकालना बनता ही था। नायरा ने घर से बाहर आकर घर वालों की बात की और उन्होंने कहा कि घर के अंदर उनके कुछ अच्छे दोस्त बने, जिसमें उन्होंने नाम लिया शहजादा का। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि घर के अंदर अविनाश काफ़ी ज़्यादा बदतमीज है, वहीं रजत दलाल सभी को डर के माहौल में रखते हैं। रजत से कोई भी भिड़ने से पहले डरता है क्योंकि उसका अलग सा खौफ बना हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके फेवरेट कंटेस्टेंट में से आती हैं शिल्पा, शहजादा और साथ साथ श्रुति का। नायरा ने अपनी दोस्तियों और गेम प्ले के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं घर में फालतू में नहीं लड़ सकती थी, यही कारण रहा होगा शायद मैं घर से बाहर आ गई हूँ। नायरा ने यह भी कहा दोस्तों साथ ही साथ में कि अविनाश गेम में आखिरी तक जरूर जाएगा, टॉप थ्री में वो देखती हैं विवियन, शहजादा और साथ ही साथ रजत दलाल और अविनाश को। आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो।